क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि इफ़ अ नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड, अगर कोई एच नॉट हो वो हम रिजेक्ट कर दें, वेयर इज़ दी राइट डिसीजन वॉज टू एक्सेप्ट दी एच नॉट। लेकिन सही डिसीजन ये था कि हमें एच नॉट एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इज़, ये क्या कहलाता है जनाब? ये कहलाता है टाइप वन एरर। दो एरर्स होते हैं, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर, और दोनों तरह के एरर्स आपके सिलेबस में सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, नॉन कंप्यूटेशनल मौजूद हैं। तो ये हमने थ्योरी में क्लास में डिस्कस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 बोलते हैं, द फॉलोइंग वुड बी अ रीज़न टू यूज़ अ टी टेस्ट इंस्टेड ऑफ अ जेड टेस्ट। हम टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं जेड टेस्ट के बजाय? तो पहले में बोलते हैं द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अननोन। सेकेंड बोलते हैं द नल हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूस वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं है। द सैम्पल साइज इज़ लार्ज, ग्रेटर दैन 40। अगर सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज हो, यानी कि 30 या 30 से ज़्यादा हो, तो हम जेड यूज़ करते हैं। 40 नहीं, 30 या 30 से ज़्यादा। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अननोन, ये सबसे रीजनेबल आंसर है। जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर मुझे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तो मैं जेड टेस्ट यूज़ करता हूँ। अगर मेरा सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज है, तो चाहे मुझे सैम्पल पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन ना पता हो, मैं फिर भी जेड यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर दोनों ना पता हो तो फिर मैं टी यूज़ करता हूँ। तो हम ए में एज्यूम कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन की अननोन है, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉपुलेशन, सॉरी, सैम्पल का जो साइज़ है वो भी 30 से कम है। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना? 30 या 30 से ज़्यादा वाली कंडीशन होती है, 40 वाली कंडीशन नहीं होती है। तो ये आंसर। अच्छा, 51 जो है वो एक ऐसा सवाल है जो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सॉल्व करना होगा। लॉग एक्स वाई बोलता है 0.9 है। लॉग एक्स वाई को मैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई भी लिख सकता हूँ। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है तो वो लॉग एक्स वाई के बराबर होगा, और ये 0.9 के बराबर है यहाँ पर। दूसरा, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 0.5। तो हम इसको लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं। अगर बीच में माइनस का साइन है तो उसको डिवाइड में लिखा जा सकता है, और ये 0.5 के बराबर है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, तो प्लस लॉग वाई और माइनस लॉग वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और लॉग एक्स और लॉग एक्स ऐड होकर जो है ना वो हो जाएगा 2 log x इज इक्वल टू 0.9 और 0.5 जब ऐड होगा तो वो बन जाएगा 1.4। ठीक है जनाब? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जो लॉग एक्स की वैल्यू है वो 0.7 के बराबर है, और हम लॉग वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लॉग एक्स और लॉग वाई दोनों को ऐड करके 0.9 बन रहा था। अगर 0.9 में से लॉग एक्स यानी कि 0.7 माइनस कर लिया जाए तो 0.2 या लॉग वाई की वैल्यू बन जाती है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि लॉग एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई की वैल्यू क्या है। तो इसको हम पहले तो लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और दूसरी साइड पर हाफ ऑफ लॉग वाई। अब ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, आप लोगों को अगर लॉग की प्रॉपर्टीज पता हो तो आप इसको पहले दो में ब्रेक करोगे, बीच में प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद फिर टू जो है वो 2 times लॉग एक्स होगा, तो लॉग एक्स और लॉग एक्स होगा। खैर, मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व किया है। लॉग एक्स की वैल्यू 0.7 है, दूसरे लॉग एक्स की वैल्यू भी 0.7 है, फिर आ गया हाफ इंटू 0.2, इसको आप सबको ऐड कर दो तो आपका आंसर जो बनेगा वो 51 का सी बनेगा। ठीक है, अगला सवाल, शीराज बोरोड 120,000 फॉर 8 months एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15%। दी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कंपाउंडेड मंथली, अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रही हो, विच विल रिजल्ट इन द सेम पेमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, विल बी, देखो शीराज ने 1,20,000 रुपये लिए हैं, 8 महीने के लिए लिए हैं, ठीक है, और 15% इंटरेस्ट पे लिए हैं, लिहाजा ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो आई इज इक्वल टू PRT के हिसाब से इसका इंटरेस्ट बनता है 12,000। ठीक है, अब जब ये 8 महीने बाद पैसे वापस करेगा तो ये 1,32,000 रुपये वापस करेगा, 1,20 जो है वो इसके ओरिजिनल अमाउंट है और 12,000 का इंटरेस्ट है। सवाल ये बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा अगर कंपाउंडिंग मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट होता और इसको सेम अमाउंट सेम प्रिंसिपल पर पे करना पड़ता तो। ठीक है ना, पहले पार्ट से हमने ये कैलकुलेट किया कि इंटरेस्ट कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है। दूसरे पार्ट से हम ये कंप्यूट करेंगे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो रेट कितना होता। तो उसके लिए हम एस इज इक्वल टू P1 प्लस I ओवर 12 पावर
जो 8 महीने हैं वो 8 ये यूज़ करेंगे, 1/32 फ्यूचर की अमाउंट है, 1/20 जो है वो प्रेजेंट की अमाउंट है, 1 + i/12 की पावर 8, जो i मेरा कैलकुलेट होकर आएगा वो 14.38% आएगा। ये सवाल पास्ट पेपर का है, तो इसका आंसर 52D है, ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, जो हमारा 53 है। 53 जनाब बोलता है कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू विच मस्ट पास थ्रू दी सेम प्रोसेसेस इन दी डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। एक मैन्युफैक्चरर है, वो दो प्रोडक्ट्स बनाता है, क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? वो पी बनाता है और वो क्यू बनाता है, विच मस्ट पास थ्रू दी सेम प्रोसेसेस इन दी डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। ए और बी से उसको पास होना है। हैविंग वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 240 एंड 100 आवर्स। ए की प्रोडक्शन कैपेसिटी 240 घंटे और बी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 घंटे है। प्रोडक्ट पी नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए। प्रोडक्ट पी को 4 घंटे डिपार्टमेंट ए में लगते हैं एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी और 2 घंटे डिपार्टमेंट बी में लगते हैं। प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 1 आवर इन डिपार्टमेंट बी। क्यू को जो टाइम लगता है वो भी लिख दिया हमने। प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू आर 7 एंड 500। तो प्रॉफिट जो है ना वो हमारा पी का 700 है और क्यू का 500। द मैन्युफैक्चरर वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को विद इन अ गिवन सेट ऑफ लिमिटेशंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है और सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं ऊपर की प्रॉब्लम के लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा ना वो होगा जेड इज इक्वल्स टू प्रॉफिट पी के एक यूनिट से आने वाला मल्टीप्लाइड बाई पी के जितने भी यूनिट्स बना रहा हूँ प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यानी कि क्यू के जितने भी यूनिट्स बना रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट से आने वाला प्रॉफिट। अब ये अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझे पार्ट बी में मिलता है, पार्ट डी में मिलता है, और पार्ट डी में नहीं मिलता। पार्ट डी में 500 पी है तो पार्ट डी तो आंसर नहीं है, सी सी में मिलता। तो बी और सी में से एक आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट ए जो है उसकी अगर बात करें तो 4 घंटे एक पी को बनाने के लिए लगते हैं मल्टीप्लाइड बाई पी के जितने भी यूनिट्स बनाऊंगा प्लस क्यू को एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं मल्टीप्लाइड बाई क्यू के जितने भी यूनिट्स बनाऊंगा वो घंटे 240 या 240 से कम होंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अगर बनाऊँ, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? दूसरा इक्वेशन ये बनेगा कि 2 घंटे एक पी को बनने के लिए लगते हैं डिपार्टमेंट बी में और 1 घंटा एक क्यू को बनने के लिए लगता है 1 × q से 2 q पे लगने वाले टोटल आवर्स, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं या उससे कम होंगे, और पी और क्यू क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होंगे दोनों। तो इस हिसाब से अगर हम आंसर्स देखें ना तो हमारा आंसर जो है ना वो बनेगा बी। बी इन सारी कंडीशंस को मैच करता, ठीक है। 54 पे चलते हैं। 54 बोलते हैं फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर, और एक तुम्हें इक्वेशन दी हुई है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या कंडीशन थी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर होता था। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें और हम सिंगल डेरिवेटिव पहले निकालें तो वो हो जाएगा 5x की पावर 4 - 45x² ठीक है। उसके बाद अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालें तो 5" ऑफ x जो बनेगा वो बनेगा 20x की पावर 3 - 90x। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर डबल डेरिवेटिव 0 होता है तो 20x³ - 90x = 0, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड्स को हम ज़रा डिवाइड कर देते हैं 10 से। अगर हम दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 2x³ - 9x = 0। फिर हम ले लेते हैं x कॉमन तो बच जाएगा 2x² - 9 = 0। तो या तो x जो है ना वो 0 के बराबर है या तो 2x² - 9 जो है ना वो 0 के बराबर है। अब अगर 2x² - 9 0 के बराबर है तो 2x² जो है वो 9 के बराबर है, x जो है ना वो अंडर रूट प्लस माइनस के साथ 9/2 के बराबर है, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर प्लस माइनस समथिंग 2.121 आ रहा होगा और इसका आंसर 0 आ रहा होगा। मेरे पास जो मेंशन आंसर्स हैं उसमें से एक आंसर बी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
हालांकि आपको जो है इस सवाल को पूरा सॉल्व करने के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो टेस्टिंग होती है वो भी आनी चाहिए, जो हम एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे वाली वैल्यूज़ पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, रीसेंट पास पेपर्स में भी आए कि आपके, वो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है ना, मैं सिर्फ ज़ीरो से कर रहा हूँ, लेकिन आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे थोड़ी सी ज़्यादा और थोड़ी सी कम वैल्यू लेकर, जो टेस्टिंग की जाती है, जो कि आई के पास पेपर्स में भी मौजूद है। अगली वीडियो में मज़ीद सवाल सॉल्व करते हैं।